नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और जो पीडीएफ का भी मैंने डेमो दिया था उसे देखकर के बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मतलब कल के दिन में 500 प्लस कॉपी जिसकी बिकी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत आप लोगों के लिए मैंने की है ना, तो वो आप लोगों को रास भी आ रही है। देखिए, 1000 क्वेश्चन थे इसके जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे, वो भी सिर्फ 49 रुपीज में, और आप लोगों का प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कहें, अगर पहली बार आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट भी कम्प्लीट हो चुका है, आप जाकर उसे भी देख लीजिएगा, इसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो पहले सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, क्लास आप लोगों के लिए किस किस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी वीडियो में इसका प्रिपरेशन कर रहे हो, इसी के साथ में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आगे आने वाली डेट 2022 है, वुमेन सुपरवाइजर है, शिक्षक भर्ती, बहुत सी जितनी भी एग्जाम के बाद आप इसको कभी भी देखेंगे ना, तो हमेशा आपको कुछ नयापन मिलेगा। तो चलिए, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ की क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे कि इसके अंदर हम करने वाले क्या है। इस क्लास के अंदर टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले, जो कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। ये आपके एक तरीके से रिवीजन होता है कि आपने अब तक कितना क्या पढ़ा हुआ है। एक तरीके से रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चंस को आप खुद देखेंगे ना, तो आपको खुद को फील हो जाएगा, और उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ सिर्फ 49 रुपीज में 1000 क्वेश्चंस है वो अवेलेबल है। इसी के साथ में आपको इंडिया जीके की 700 प्लस अलग से 49 रुपीज में अवेलेबल है, जो ऊपर लिमिट टाइम के लिए है, जिसका फायदा उठा लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज टॉप 20 क्वेश्चंस है जिनके अंदर जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप साथ के साथ बताते जाइएगा। चलिए, श्री गणेश जी का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि क्लास से सभी एग्जाम जो कि टारगेट है, इसके अलावा वनपाल वन रक्षक और जितने भी एग्जाम आरएससी आरपीएससी लेता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेता है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन टॉप 20 क्वेश्चन में आप खुद मैच कीजिएगा कि इसको आपको कुछ अलग लेवल मिला है क्या। श्री श्याम सारे के सारे बाबा श्याम की जय हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आपको कुछ नयापन मिले तो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। 1996 में विश्व जनसंख्या की सांख्यिकी में किस जिले को विश्व जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया गया था। लाड लो, क्वेश्चन देखने से आपको पता चलना होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हो, वो नहीं, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने जरूरी होते हैं। तो पहला आंसर है झालावाड़, दूसरा है बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, फोर्थ है बाड़मेर। तो 1986 में विश्व जनसंख्या की सांख्यिकी में, ठीक है, किस जिले को विश्व जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार देख लीजिए। ठीक है, और आप अगर पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जरूर बताइए इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। क्लियर है, झालावाड़ क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, क्या घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। ठीक है, इस चीज के बारे में मुझे बताइएगा, क्या झालावाड़ से संबंध या कुछ अलग है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO, जो भी मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मैं भी इसमें डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का ज्यादा टाइम ना जाए, आप लोगों ने वो चीजें पढ़ रखी होगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं डिटेल में जिसको लेकर डिस्कशन करूंगा। कोई क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछ करता हूँ तो उसे खुद जाकर के सर्च कीजिए, उसका जवाब दीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO, ठीक है, इसकी फुलफॉर्म इंग्लिश में लिख करके बताइएगा। वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की 0.9% पुरुष बेरोजगार है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आरएस में भी मिला था और वीडियो के एग्जाम में भी मिला था। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति के 1.9% पुरुष बेरोजगार है, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार, और उनमें से कोई जो क्वेश्चन है ना, अभी प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम्स आए हैं उनमें से भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी लिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है और इसके प्रमुख का नाम क्या है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन के साथ हम 2-3 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए NSSO की 11-12 में 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दर के संबंध में कौन सा तथ्य सही, तो ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो आप बोलते जाइएगा। ठीक है गाइस, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताते जरूर जाइएगा। मैं फिर से बता दूं, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ है, वो सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में
दे रखा है। चेक कीजिए 15वीं शताब्दी की किस शिलालेख में महाराणा कुंभा की लड़की रमाबाई का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी की किस शिलालेख में महाराणा कुंभा की लड़की रमाबाई का उल्लेख है। घोसुंडी का शिलालेख, जावर का शिलालेख, राजगढ़ शिलालेख और बागोर का शिलालेख। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, जल्दी से क्लिक कीजिए और सोच समझ के जवाब दीजिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ महाराणा कुंभा की बात करूँ, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा महाराणा कुंभा का संबंध कहाँ से रहा है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जावर का शिलालेख है, उनकी लड़की रमाबाई का उल्लेख है वो जावर के शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जोश के साथ बने रहिए और अच्छा लग रहा है तो जोश आप खुद भी बढ़ाइए, जिससे मैं ऐसी क्लास लेके आता हूँ। और संडे को कल इसकी एक मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं उसमें आप सपोर्ट करते हैं तो आप बताइएगा जरूर। 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कछुआओं की शक्ति का केंद्र क्या था। ध्यान दीजिएगा 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कछुआओं की शक्ति का केंद्र क्या था। बीकानेर, अलवर, कोटा और आमेर। जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छे से देखा हुआ होगा। आपको बताया कि कछुआओं का शक्ति का केंद्र कहाँ से था, आमेर। आमेर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। क्लियर है, पहला कछुआ शासक कौन था, ठीक है, कछुआ शासक पहला कौन था, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ध्यान दीजिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित सिंहदेश्वर महादेव का मंदिर का अन्य नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित सिंहदेश्वर महादेव मंदिर का अन्य नाम क्या है। मोकल जी का मंदिर, श्याम कुंभ का मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर और इनमें से कोई नहीं। और आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक और भी बहुत स्पेशल चीज स्थित है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसके लिए बहुत बहुत बड़े ज्ञाताओं ने भी बहुत कुछ कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित सिंहदेश्वर महादेव मंदिर का अन्य नाम क्या है, मोकल जी का मंदिर। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, कई एग्जाम्स के अंदर देखा होगा, आपको इस चीज के बारे में अच्छे से पता है। एक एक चीज का ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक और चीज आपको बता दूं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे उमेश शर्मा अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी जानना हो कि सर ये पीडीएफ के लिए क्या चीज है क्या नहीं है, वैसे आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उन्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा किस दुर्ग को है वो जमीन का जेवर कहा जाता है। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाद लो, ध्यान दीजिएगा। विजयगढ़ दुर्ग, मनोरथाना दुर्ग, सोहलगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। ये क्वेश्चन आपने देखा है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। किस दुर्ग को आज आज की इस क्लास की पीडीएफ में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, जिससे आपको लग जाए कि मैं कोई भी चीज आपके लिए बना रहा हूँ तो एक यूनिक चीज है, ठीक है। उनका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जूनागढ़ दुर्ग है वो जमीन का जेवर कहा जाता है। लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को और आपको अच्छे लग रहे तो बताएगा। जल्दी करंट अफेयर भी आपका न्यू लॉन्च होने वाला है, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जो हाईकोर्ट एनडी शो सभी एग्जाम में इंपोर्टेंट रहेगा, वीडियो के लिए उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मोती तालाब, मोती सागर बांध कहाँ पर स्थित है। लक्ष्मीगढ़, सीकर, जैतसर, जैसलमेर, नेनवा बूंदी में और दुआ तालाब टोंक में। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, मोती तालाब, मोती सागर बांध है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा, दुआ तालाब टोंक के अंदर ये है। मोती तालाब और मोती सागर दोनों कहीं से भी पूछे जाते तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दुआ तालाब टोंक के अंदर स्थित है। चलिए एक मुस्कुराहट रखिए फोटो के ऊपर, हाँ ध्यान रखिएगा मुस्कुराते हुए आप उमेश सर के साथ प्यारी सी स्माइल के साथ बने रहिए। जयपुर के मानसागर जेल में 9 से 10 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड भी अगर आप जोड़ के देखिए, स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर की मानसागर जेल में एक मानसागर जेल आपसे एक और चीज आपको से पूछूंगा, ठीक है, इससे एक बार क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैंने कम्युनिटी में भी पूछा था लेकिन अधिकतर बच्चों ने गलत बताया था। जयपुर की मानसागर जेल 9 से 10 फरवरी 2017 में कौन से क्रम के मेले का आयोजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा 20वां पक्षी मेला, 15वां पक्षी मेला, 5वां पक्षी मेला और 10वां पक्षी मेला। इसका जवाब दीजिए, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं और आपको ये भी बताता हूं आप जो रटते हैं ना उसमें कितना अंतर होता है और जो रियलिटी जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना एग्जामिनेशन के द्वारा उनमें कितना फर्क होता है, वो चीज आपको समझाऊंगा। तो जयपुर की मानसागर जेल है 9 से 10 फरवरी 2017 कौन से क्रम का मेला, तो 20वां पक्षी मेला है वो यहाँ पे जो है आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। अब यहाँ पे मानसागर जेल है, मैंने आपसे कम्युनिटी पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, मैंने पूछा था कि मानसरोवर झील कहाँ पर,
मानसरोवर झील कहाँ पर है, अगर आपने वो कम्युनिटी नहीं देखी है जाकर के आप चेक कीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। मतलब मुश्किल से 8 से 10% जहां तक मुझे याद है 8 से 10% बच्चे ही इसका राइट आंसर दे पाए थे। आप समझ सकते हो कि कंपटीशन रियल में है, कितना सिर्फ आप लोग डरते हैं। एक और चीज मैंने कल आपसे पूछा था कि सोमनाथ को ध्यान दीजिएगा, और वहां पे मैंने एक अच्छे से मैंने हैशटैग राजस्थान जीके दे रखा था, ठीक है। सोमनाथ को किसका हृदय स्थल कहा जाता है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, सोमनाथ को किस जगह का हृदय स्थल कहा जाता है, ये मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था। 95% बच्चों ने इसका जवाब दिया गुजरात। मैंने चला तक के इसका जो है ऑप्शन दिया था गुजरात। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितने अंधेरे में हैं। आप लोग जो रहते हैं ना वो एक अलग बात है। मैं क्वेश्चन अंदर से जाता है कि एग्जामिनर जहां पे माइंड लगा सकता है ना वो चीजें मैं बना सकता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा और मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी और कम्युनिटी पे जवाब दीजिएगा, सर हम वीडियो देख करके आपके यहाँ तक पहुंचे। एक बार वो जाकर के देखिएगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, फिर आपको इंटरेस्ट होगा कि हम जिस इंसान के साथ जुड़े हुए रियल में हमें हेल्पफुल होंगे वो क्वेश्चन या नहीं होंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा। गुजरात जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, उस क्वेश्चन को जाके देखिए, मेरी कम्युनिटी जरूर बने रही क्योंकि डेली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे आपके लिए तैयार करके लेके आता हूँ, तो उनका जवाब भी दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना कौन सी है, नैनसिरी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका, सिद्धार्थ गार्डन, राज रचनात्री वचनिका और सत्य स्वरूप री वचनिका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जल्दी से। वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना कौन सी है, तो जवाब आपको पता होगा शायद, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा अचलदास खिचड़ी वचनिका। ये क्वेश्चन है वो 90% चांस होते हैं रिपीट होने के, बहुत एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज साहित्य को पनपाने का श्रेय किनको है। गाइस यहाँ साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि राज साहित्य को पनपाने का श्रेय किनको है, अरबी कवियों को, फारसी कवियों को, जैन कवियों को और इनमें से कोई नहीं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, राज साहित्य, राज लीला आपने अच्छे से सुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे राज साहित्य की बात करो, मैं राज लीला की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्यार सी मुस्कुराहट के साथ जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, राज साहित्य को पनपाने का श्रेय किनको है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैन कवियों को इसका श्रेय दिया जाता है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो बताते जाएगा। मैं फिर से बता दूं, इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ 649 रुपीज में अवेलेबल है, 1000 क्वेश्चन है और इंडिया जीके के भी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स है और करंट अफेयर भी सब कुछ आपके एप के ऊपर अवेलेबल है, रीजनिंग जनरल साइंस सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द लॉर्ड कृष्णा पुस्तक में पिछवाइयों का वर्णन किया है। लाडलो क्वेश्चन देखने से पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। किसने द टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द लॉर्ड कृष्णा पुस्तक में पिछवाइयों का वर्णन किया है, रॉबर्ट स्केल्टन, जेम्स टोड, दशरथ शर्मा और जॉर्ज क्रिएसन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द लॉर्ड कृष्णा पुस्तक में। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पर है, इसका जवाब दीजिएगा। द टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द वॉल लॉर्ड कृष्णा पुस्तक में पिछवाइयों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट स्केल्टन, क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट स्केल्टन, इंपॉर्टेंट है। अच्छा लग रहा है तो बताते जाइएगा और कल की वीडियो में जैसे आप लोगों ने प्यार और एक सपोर्ट किया ना वैसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, अगर वनपाल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये चीजें आपके लिए अभी से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल इसके लिए स्पेशल रहेगा सब चीजों के लिए। कौन सा मानना विवाह, ध्यान दीजिएगा इंपोर्टेंट है, कौन सा मानना विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय बनाया जाता है। मानना समझते हो अपन, मानना जैसे अपन पहले गांव में अगर कोई चीज है जैसे लकड़ी के ऊपर रोई लगा करके अपन बनाते हैं वो मानना होता है, अच्छे से पता है। एक मानना होता है जब पंडित वगैरह भी आपने देखा होगा जैसे चौकी वगैरह पे भी वो बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कहा जाता है। तो कौन सा मानना विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय बनाया जाता है, ताम, सोहरिया, स्थापक, प्रिंट में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मानना है विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय बनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर, मंडप जहां पे सजाया जाता है ना वहां पे कौन सा मानना बनाया जाता है, ठीक है। कला संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ताम, ठीक है। कौन सा मानना, तो ताम मानना है विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय पर बनाया जाता है। खुद की शादी भी होनी है तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, अगर पंडित जी नहीं बनाया ना तो बोल देना भाई साहब ताम मानना क्यों नहीं बनाया, ठीक है। ये अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर अलग अलग संस्कृति होती है, भीड़ मत जाना, सन्यासे कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोहरिया, ताम और तापर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा कि भोजन सामग्री रखने के पहले क्या होता था, जैसे दूध भी गर्म होता था ना, तो मारवाड़ी में जानो ना कि हांडी क्या बोल रहे हैं, हांडी जमाने रख और फिर पूरी जानो, मारवाड़ी में जानो ना, राजस्थानी तो आती है सीखा में, तो पूरिया का मायने छाना रख और भी का मायने हांडी ने रख और पेड़ भी के मायने जो दूध पीबा को जो मजो होना वो बात ही अलग ही हो। और आज तो फिर कटे भी जा रहा कोई भी बर्तन का मायने गर्म करो भी पीबा को मजो थोड़ी, पूरिया का मायने जो हांडी रखी हुई होना भी का मायने फिर प्यार दूध पी मजो ही अलग हो, क्योंकि एक गैंस हुआ ना, एक खुशबू एक अलग ही हुए फील हुए। ठीक है, तो भाई बात करूं कि मिट्टी के बने कलात्मक, जैसे भी खिचड़ी खाओ कोई चीजें है ना जो पहली जो एक तो हांडी के मायने कोई चीज बनाई जाती राबड़ी वगैरह ये चीजें है, और आज के बर्तन हम बनाओ तो अलग बात हुए। तो इनके क्या करें भोजन सामग्री रखने के मिट्टी का बर्तन ने क्या करें याद है ना, इन्हें क्या करें सोहरिया दंगू याद रखिए की चीजें तो भूलना मत करो, आपके खुद राजस्थानी हो, राजस्थानी समझ में आवे तो बता दियो, मैं थोड़ी थोड़ी यूज कर ले तो थोड़ी एक अपनत्व है एक कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। कठपुतली नाटक में पुतलियों का सूत्रधार नाटक का मूल स्तंभ होता है, इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कठपुतली थे जानो ही के वह बेने धागो बांध और छोटी छोटी गुड़िया सी हुए गुड्डा सा हुआ है, तो मैंने ऊपर एक नचावाल हुआ जिन्हें एक आर्ट हुआ है। ठीक है, तो वो आ चीज करें तो कठपुतली नाटक में पुतलियों का सूत्रधार नाटक का मूल स्तंभ होता है, इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्थापक ताम और सोहरिया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कठपुतली नाटक में पुतलियों का सूत्रधार नाटक का मूल स्तंभ होता है। ठीक है, जो नाटक होता है वो स्तंभ एक मजबूत जो इकाई होती है ना उसका सूत्रधार का नाटक का मूल स्तंभ क्या होता है, वो होता है स्थापक। क्लियर है, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका, देवनारायण जी की पूजा किस पेड़ की पत्तियों से होती है? लाडलो थाने एक बात बता दूं मैं, देवनारायण जी वाला क्वेश्चन है ना अक्सर एग्जाम के मन पूछ जाए, ये देवनारायण जी का तो गेल पड़ जाओ, हाथ जोड़ लो कि भगवान थे तो मारे बुलिया से मना भूल जाओ, क्योंकि देवनारायण जी रामदेव जी आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाए है। तो देवनारायण जी की पूजा किस पेड़ की पत्तियों से होती है? ठीक है, नीम, पीपल, खेजड़ी और बरगद। ध्यान रखियो, देवनारायण जी के बारे में पढ़े हो ना तो अच्छा है, ध्यान में जैसे देवनारायण जी की पूजा किस पेड़ की पत्तियों से होती है, वहां पे देवनारायण जी के जो मंदिर होता है ना वहां की मूर्ति होती है क्या, ये जवाब दीजिएगा मुझे कि मूर्तियां होती है फिर कुछ और अलग होता है, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा देवनारायण जी की पूजा किस पेड़ की पत्तियों से होती है, तो नीम के पेड़ की पत्तियों से इनकी पूजा होती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी ठीक है, मांगलिया का मंदिर बापनी जोधपुर में स्थित है, इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में भी कहा बापनी के अंदर। ठीक है, तो ये हमें याद रहे, तो याद रहे मेहाजी बाप जी, ठीक है, तो बाप जी से याद रहे बापनी, इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, ये घोड़े से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, जितने भी ये आपके लोक देवता है ना इनके घोड़ों से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कृष्ण काबरा, किरण काबरा, कोबर काबरा और परी काबरा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। मेहाजी मांगलिया जो बापनी जोधपुर में स्थित है इनका मंदिर है, प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो किरण काबरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, ठीक है, मेहाजी मांगलिया जी के घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कुछ नया मिल रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। अब बोलोगे सर 2011-12 के आंकड़े थोड़ी पूछे जाएंगे, इससे आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आंकड़े हैं एक स्ट्रेटेजिक जीके के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है, शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 1.2% पुरुष बेरोजगार है, और यहाँ पे 0.9% पुरुष बेरोजगार है, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर के संबंध में 3.2% पुरुष बेरोजगार है। अब चलिए ये 2011-12 का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको इससे क्या सीख मिलता है कि आप इससे अभी 21-22 के, ठीक है, 19-20 के इससे रिलेटेड डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन कहाँ से किस टाइप से फेल होता है, इन चीजों के ऊपर आप एक एक चीज के ऊपर गौर किया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलवर भरतपुर लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत चौखा क्वेश्चन है, ध्यान दियो,
ठीक है, अलवर भरतपुर और लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? कुचामनी ख्याल, ढप्पाली ख्याल, हेला ख्याल और उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका जवाब दीजिएगा। मतलब ऐसा कौन सा ख्याल है जिसके लिए ये फेमस है? तो अलवर भरतपुर लक्ष्मण का क्षेत्र किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब होगा ढप्पाली ख्याल है इसके लिए, ठीक है, ये इसके लिए फेमस है, ध्यान दीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो जोश के साथ, जैसे आप बने हुए हो ना वैसे जोश के साथ इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। मैं फिर से कर रहा हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कुछ सिर्फ ट्रेलर मात्र है, ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ 49 रुपीज में, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, तुरा कलंगी से संबंधित सत्य कथन है। अगर आप रीजनिंग की क्लास भी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं रीजनिंग क्लास भी आपके लिए जल्द लेकर क्या होगा। तुरा कलंगी से संबंधित सत्य कथन क्या है? राजस्थान में तुरा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन सैदू सिंह तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में प्रारंभ किया। तुर्रा कलंगी के प्रमुख वाद्य चंग प्रयुक्त होता है और तुर्रा कलंगी की शैली को मोच कहते हैं और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? आजकल इस टाइप की क्वेश्चन सिर्फ फेम होते हैं जिनमें सारी की सारी डिटेल पूछी जाती है। मतलब अगर आपको तुर्रा कलंगी के बारे में पूरा पता है तो भी आप इस क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तुर्रा कलंगी से संबंधित सत्य कथन है, इसमें सारी की सारी बातें सही है। ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन सहदू सिंह तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी नेतृत्व में प्रारंभ किया। यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, किसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो सहदू सिंह तुर्रा और हमीद बेग कलंगी के द्वारा, इसी के नाम पर इनका पूरा का पूरा नाम रखा था तुर्रा कलंगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो तुर्रा का संबंध किससे है? सहदू सिंह से, और हमीद बेग का संबंध किससे है? कलंगी से। दोनों को अलग अलग तरीके से भी आपसे घुमा फिराता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुर्रा कलंगी प्रमुख वाद्य कौन सा बजाया जाता है? चंग बजाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चंग आप जानते होंगे, एक गोलाकार आकृति का होता होगा, धमाल वगैरह आपने अच्छे से गाई होगी और सुनी भी होगी। तुर्रा कलंगी की शैली को क्या कहते हैं? इस शैली को मोच कहते हैं। नाट लो, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3 और 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन खुद में अपने आप में 5 क्वेश्चन बन रहे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तुर्रा कलंगी की शैली को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, एक मुस्कुराहट के साथ बने रहिएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस पीरियड की? आपको 20 क्वेश्चन के आफ्टर में सबके आंसर भी दिए हैं, तो आपको ऐसे नहीं होगा कि परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप टेस्ट के तरीके से भी इनको चेक करते हैं ना, ओमार लेकर के, तो ओमार से आप इनको चेक कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार ने किसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है? इस टाइप का कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपको पता होगा, जीन माता वाला, ठीक है, तो मोखला जैसलमेर, नेक्स्ट खास फार्म नर्सरी जोधपुर, जोगनिया जी अजमेर, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए कि राज्य सरकार ने किसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसका, मोखला जैसलमेर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो लाद लो ऐसे ही इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने हर तरीके से सभी जगहों से एक एक चीज कलेक्ट करके लिए आपके लिए तैयार किए गए। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको रियल में क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक करके, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, जिससे मैं ऐसी क्लासेस आपके लिए लेके आता रहूं। और अगर आपकी क्लास अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए इसके लिए एक पूरा का पूरा मैराथन क्लास भी करवाऊंगा, जिससे सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। और अगर आपको इन चीजों में इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा, जो मेरे बोलने की किसी चीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताइए, अच्छा लगा हो तो वो बताइए कि सर इस चीज को ऐसे लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका खुद का एक चैनल है, यहाँ पे मेरा नहीं, हम सबका सब कुछ है। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलेगा, मैं फिर से बता दूं, ये सब कुछ पीडीएफ है आपको मिस्टर मैं अकेडमी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे और भी बहुत सी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्द ही आपके साथ रूबरू होऊंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।